हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर स्टडी। दिस इज संदीप कुमार। और अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं एसएसबी इंटरव्यू के लिए, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखें, बिकॉज इसमें मैं आपको एसएसबी से रिलेटेड एक कोर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। हर वे से मैं इसे कंपेयर करूंगा कि ये कोर्स आपको कैसे बेनिफिशियल रहेगा। तो एक बार लास्ट तक वीडियो को देखें, अगर आपको लगेगा तो आप इस कोर्स को ले सकते हैं, बेनिफिट अगर आपको लग रहा होगा। अगर नहीं लगेगा तो आप नहीं लीजिएगा, लेकिन आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, बिकॉज आपको मैं यहाँ पर क्लियर करूंगा कि आपको क्या इस कंप्लीट कोर्स में मिलने वाला है। तो देखिए, ये मेरी अन अकेडमी पर प्रोफाइल है संदीप कुमार के नाम से। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा हमारे इस कोर्स का, और कोर्स का नाम है एसएसबी इंटरव्यू प्रूवन टिप्स टू गेट रिकमेंडेड। ठीक है, अगर आप जा रहे हैं एसएसबी इंटरव्यू में या फिर एफएसबी में जा रहे हैं, ठीक है, आपने एयरफोर्स का एग्जाम क्लियर किया है, या फिर आपकी डायरेक्ट एंट्रीज हैं, जैसे कि अभी असिस्टेंट कमांडेंट में पीएसबी हो रहे हैं, किसी का भी एफएसबी जो है वो भी स्टार्ट हो जाएगा, तो हर एक कंडीशन में ये जो कोर्स है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। कोर्स जो है वो जस्ट 1000 की कॉस्ट, 999 की कॉस्ट पर लॉन्च किया गया है, यानी कि 1000 रुपये का ये कोर्स है। और इसमें आपको 5 दिन मैं पढ़ाने वाला हूँ और 1 दिन आपका टेस्ट लिया जाएगा, तो 6 दिन का कंप्लीट ये प्रोसीजर रहेगा। इसमें जो है क्लासेस हमारी होंगी डेली 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक, यानी कि 1.5 घंटे का ये डेली का सेशन होगा। और ये स्टार्ट होगा हमारा 2 जनवरी से, और 8 जनवरी तक मैं आपको क्लासेस लूँगा, 10 जनवरी को मैं आपका टेस्ट लूँगा। अब इसमें आपको मिलने क्या वाला है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले 2 जनवरी को हम स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, और मैं आपको बताऊँगा कि स्क्रीनिंग टेस्ट में एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। लेकिन मेन फोकस होगा कि स्टोरी कैसे आपको क्रिएट करनी है, स्टोरी कैसे बनानी है, अगर आपको वहाँ पर स्क्रीन इन होना है तो। उस वे से हम इस दिन को, सेकेंड जो हमारा है 2 जन, इस दिन को हम यहाँ पर रखेंगे। 2 जनवरी के बाद जो 3 जनवरी है, ठीक है, 3 जनवरी को हम साइकोलॉजिकल टेस्ट देखेंगे, ठीक है, साइकोलॉजी टेस्ट जो हमारे होंगे, क्योंकि उसमें भी हमें स्टोरी राइटिंग करनी है, तो इसमें मैंने गैप नहीं रखा है, ठीक है। जस्ट 2 और 3 को आपके स्क्रीनिंग और साइकोलॉजी से रिलेटेड हर एक चीज़ क्लियर की जाएगी, क्योंकि इसमें भी आपको दोनों ही दिनों में स्टोरी राइटिंग का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। वैट और टैट जो है उनकी भी इंपॉर्टेंस है, उनके डायरेक्ट नंबर्स आपको मिलते हैं, लेकिन फिर भी स्टोरीज दोनों जगह आपको काम आनी है, तो मैंने दोनों को इकट्ठा रखा है 2 और 3 जनवरी को। फिर आपको रिवीजन के लिए 1 दिन छोड़ा गया है, यानी कि 4th को आपको क्या करना है कि मैं जो आपको एक्स्ट्रा नोट्स दूंगा, जो मेरे नोट्स हैं कि हाँ यहाँ से आपको ये चीज़ें प्रिपेयर करनी है, उनको आप करेंगे। देन हम मिलेंगे 5th को, 5th को हम GTO टास्क करेंगे पार्ट 1, क्योंकि GTO टास्क जो है मोस्ट स्कोरिंग पार्ट है। अगर आप वहाँ से स्कोर अच्छा कर लेते हैं तो आपको रिकमेंड होने से कोई नहीं रोक सकता है, और अगर आप यहाँ स्कोर कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। तो GTO को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें हम दोनों दिन जो है 5th और 6th को GTO के बारे में डिस्कशन करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको लेक्चरेट में पॉइंट्स रखने होते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको कुछ भी नहीं आता है किसी टॉपिक से रिलेटेड, लेकिन आपको फिर भी बोलना होगा, क्योंकि वो डिसाइड किया गया है वहाँ पर। तो उस कंडीशन में आपको इंडिविजुअल जो आपको वहाँ पर लेक्चर देना है, ठीक है, लेक्चरेट है, उसमें कैसे आपको इम्प्रूवमेंट करनी है, ठीक है, जो ग्रुप डिस्कशन होना है उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट करनी है, और ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज है जो सीधे सीधे मार्क्स हैं आपके, उसमें आपको क्या पॉइंट याद रखने हैं, और उसके रिलेटेड में कुछ एक आपके पास कम से कम 5 जो हर एक टाइप से, जैसे हम स्क्रीनिंग की बात कर रहे हैं तो 5-5 तो हर एक स्टेज के जितने भी 5-5 क्वेश्चन बनेंगे। जैसे अगर स्क्रीनिंग की बात कर रहे हैं, 5 स्टोरीज तो मैं डिस्कस करूंगा ही करूंगा, बाकी आपको दूंगा जो 3rd होगी हमारी 3rd जन को, कि ये आपने करके मुझे बतानी है, क्योंकि हमारा एक ग्रुप बनेगा, ग्रुप में मैं हर टाइम आपके साथ कनेक्ट रहूंगा। इसके बाद GTO टास्क होंगे, GTO टास्क के बाद इंटरव्यू एंड कॉन्फ्रेंस जो है, इसके बारे में मैं आपको 8th को बताऊंगा, और मैं क्वेश्चन डायरेक्टली बताऊंगा कि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इन क्वेश्चन में मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे कोई आपके ऊपर चीज़ को थोपूंगा कि हाँ आपका आंसर ये होना चाहिए। हम एक्चुअल में, अगर आपने मेरे लाइव सेशन भी लिए होंगे, हमारा सीधा सीधा पॉइंट होता है कि हम डिस्कस करते हैं कि अगर ये आंसर होना है तो क्यों होना है, रीज़न क्या है कि मेरा ये आंसर हो, ठीक है। तो जो अच्छा आंसर करता है, जिसका रीज़न अच्छा है, उसका आंसर वैलिड होता है। तो ऐसा कभी नहीं होता है, मान लीजिए आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ अटैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उस इंटरेक्शन में अगर आपका कोई पॉइंट मुझे अच्छा लगता है तो मैं उसी टाइम सभी को बता देता हूँ कि हाँ ये पॉइंट ज़्यादा अच्छा है। तो बिल्कुल उस वे में हम समझेंगे, हमें कोई रट्टा नहीं लगाना है। इन 5 दिनों को अगर आपने लगा लिया इस कोर्स में, ठीक है, तो आपको किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपको कहीं पर भी ज़्यादा, क्योंकि अगर आप किसी कोचिंग के लिए जाते हैं, अब प्राइस की भी बात कर लेते हैं, देखिए किसी कोचिंग के लिए जाएंगे तो सिर्फ इतना डिफरेंस आएगा
डिफरेंस भी क्या आएगा, डिफरेंस आएगा कि आपको डायरेक्टली जो है स्टूडेंट नहीं मिलेंगे, ठीक है, आपके सामने स्टूडेंट नहीं होंगे, लेकिन आपका ग्रुप बनेगा, आप उनके साथ कॉल कर सकते हैं, ठीक है, बात कर सकते हैं, आपकी इंटरेक्शन अच्छी होगी। और वैसे भी जब हम कोचिंग के लिए कहीं जाते हैं तो डेफिनेटली हम इतना ज़्यादा इंग्लिश में नहीं स्पीक करते हैं, अगर आप हिंदी मीडियम वाले हैं फिर आप हिंदी को ही वहाँ पे प्रेफरेंस देते हैं, तो ज़्यादा कोई बेनिफिट नहीं होगा। और जो आपकी स्टोरीज होती हैं वो एनालाइज नहीं की जाती हैं, लेकिन यहाँ पे एनालाइज की जाएंगी, बिकॉज इस बैच में लिमिटेड स्टूडेंट होंगे। जैसे ही लिमिटेड स्टूडेंट जितना मैंने रखा है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं एडमिशन बंद कर दूंगा। और जस्ट ये 3 दिन आपके पास बचे हुए हैं, 3 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करनी है, देन हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो जैसे ही आपको पता लग रहा है आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। जस्ट 1,000 रुपीज़ में आपको एक ओवरऑल डेवलपमेंट क्या होती है, ठीक है, कैसे आपको डेवलप करना है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि ये 5 दिन लगे और आपका SSB डायरेक्ट क्लियर हो गया। इन 5 दिन में जो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, ये 5 दिन हमारे पास हैं, 6 दिन हैं, छठे दिन हमारा टेस्ट होगा, ठीक है। 5 दिन में जो मैं आपको बताऊंगा उससे आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा कि आप कहाँ पर हैं, और एक जो SSB का माइंड सेट है वो हो जाएगा आपका कि SSB में आपको इसके आगे ये चीज़ होनी है, मतलब कंप्लीट आपको पता लग जाएगा। उसके बाद अगर आप घर में बैठ के जैसे जैसे जो टॉपिक्स हैं, क्योंकि अब मान लीजिए लेक्चरेट की बात करें, लेक्चरेट में हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे या 5 कर लेंगे, उसके बाद टॉपिक्स तो लगभग 150 से 200 बनेंगे, ठीक है, वो जो अलग अलग टॉपिक रहेंगे, और ग्रुप डिस्कशन के लिए भी बहुत सारे हमारे जनरल जो सोशल इश्यू हैं उनसे रिलेटेड बनेंगे। तो लेकिन जो हम वो 5 डिस्कस करेंगे उनसे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि हाँ मेरे पॉइंट इस तरह से होने चाहिए, मतलब एक कंप्लीट आपको ओवरव्यू मिल जाएगा। फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी, जस्ट आपको प्रिपेयर करना होगा। स्टोरी जब आपको ये पता लग गया कि जब मैं थीम डिसाइड कर रहा हूँ तो मैं क्या पॉइंट ले रहा हूँ, कैसे मैं जल्दी थीम को डिसाइड कर रहा हूँ, लिखते हुए कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे अच्छे से ध्यान में रखनी है, जब आपको वो सारी चीज़ें पता लग गई देन मुझे नहीं लगता है कि आपको फिर प्रिपेयर करने में कोई भी प्रॉब्लम आएगी। और प्राइस का कंपैरिजन कर लेते हैं, जस्ट 1,000 में आपको ये 6 क्लासेस मिल रही हैं, और अगर आप सर्च कर लेंगे तो आपको 5 5 डेज का 15,000+ जो है वो पे करना पड़ता है। तो आई थिंक प्राइस के मामले में बहुत ही नेगलिजिबल है, ऐसा नहीं आप बोल सकते कि आपको प्राइस यहाँ पे ज़्यादा लिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे 1-to-1 इंट्रैक्शन जो होगी, यानी कि अगर आपका कोई भी डाउट है आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं और वहाँ पे रिप्लाई होगा। आपकी जो स्टोरी है वो एनालाइज होगी, मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो स्टोरी लिखी है उसमें कुछ इंप्रूवमेंट होनी चाहिए या ये सही है, ठीक है, हर वे से आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये हमारा कोर्स है, ये मेरी प्रोफाइल है अनअकैडमी पर संदीप कुमार के नाम से, आप मुझे जानते ही होंगे काफ़ी टाइम से। और यहाँ पर मेरा कोर्स जो है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए और लिंक पर जाइए और रजिस्टर कर लीजिए इस कोर्स के लिए, बिकॉज जस्ट 3 दिन है और लिमिटेड सीट्स हैं, जैसे ही सीट्स फुल होंगी उसके बाद किसी की एडमिशन जो है वो नहीं होगी। तो काफ़ी अच्छा मौका है आपके पास, एक कंप्लीट जो मेरे पास जितना भी एक्सपीरियंस है, ठीक है, 5 to 6 टाइम का, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर मैं एलिमिनेट भी कर दूं, फर्स्ट टाइम मैं खुद स्क्रीन आउट हुआ था। यहाँ पर मैं एक और चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, स्क्रीन आउट से रिकमेंड होने तक का कंप्लीट एक्सपीरियंस मेरे पास है, यानी कि ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट मैंने फर्स्ट टाइम दिया और मैं रिकमेंड हो गया और मतलब मैं ये मानकर चलूं कि सीधा सीधा मुझे ये पता है कि रिकमेंड कैसे होना है। मुझे ये भी पता है कि मैं जब स्क्रीन आउट हुआ क्या कमियां थी, क्यों हुआ, ठीक है, और उसके बाद क्या क्या चीज़ें हुई, ठीक है, कैसे कैसे इंप्रूवमेंट हुई। तो मेरे पास हर चीज़ का एक्सपीरियंस फिलहाल है रिकमेंड होने तक। अब उसके आगे जो है जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी कोई भी आपका डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। 3 दिन है आपके पास रजिस्ट्रेशन करने के लिए, जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, देन हम मिलेंगे हमारे लाइव सेशंस में, और इन लाइव सेशंस का आपको बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा, और साथ में स्टडी मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, और हमारा जो ग्रुप बनेगा उसमें मैं आपको एजिस्ट करता रहूंगा, सहायता करता रहूंगा जब तक कि आपका SSB इंटरव्यू नहीं होता है। तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या चीज़ें आपको मिलने वाली हैं इस कोर्स में। तो जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फिर हम मिलते हैं लाइव सेशंस में, तो कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं लाइव सेशंस में, थैंक यू एंड जय हिंद।